हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएफ पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यूजी एडमिशन जो कि चांसलर पोर्टल से कि अप्लाई हो रहा था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है इसका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। इसका जो अप्लाई डेट जो है वो ख़त्म हो चुका है और इन्होंने जो है फर्स्ट जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। तो इन्होंने जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी किया वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो आप अपना जो नाम कैसे चेक करेंगे कि आपका जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, जो भी जितने भी ऑनर्स है सारे ऑनर्स का जो है यहीं पे दिया गया है। इसका जो है दोस्तों सेशन जो है 2022-25 है, यानी कि 3 साल इसका जो है चेंज नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आप अपना जो है मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया या नहीं आया। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दोस्तों अगर आप हमारे हमारे चैनल में न्यू है या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि यूनिवर्सिटी तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना होगा, dspmurांची.ac.in इसका जो है URL है। और आप इसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। इस पे आएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स में यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे न्यू न्यू दिख रहा है। तो नीचे में यहाँ पे व्यू मोर लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना है आपको। अगर मोबाइल से आप देख रहे हैं तो मोबाइल से जो हो सकता है कि डायरेक्ट ही आपका यहाँ पे ये शो कर जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा जो है यहाँ पे ऑनर्स का यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो यहाँ पे आपको फिजिक्स ऑनर्स का यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, और यहाँ पे संस्कृत का दिख रहा है, इकोनॉमिक्स दिख रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, इस टाइप का यहाँ पे जो सारा ऑनर्स का यहाँ पे दे दिया गया। आप यहाँ पे अपना ढूंढ के यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सारे ऑनर्स का अपना ढूंढ के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ देख सकते हैं ये सारा चीज़ जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का ही यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आपका जो भी ऑनर्स हो उस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। अगर मोबाइल से करें मोबाइल में डाउनलोड, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पे आपको इसमें ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और दोस्तों जो डॉक्टर SPMU जो यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्ट जो है एडमिशन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आप लोग जो है जिसका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया होगा वो डायरेक्ट जो है जाके एडमिशन करा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था फॉलोइंग एप्लीकेशन हैव बीन सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर एडमिशन इन BSc फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 फॉर द सेशन बाय ऑल एप्लीकेंट्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू टेक एडमिशन। यहाँ पे बोला जा रहा है डायरेक्टेड टू टेक एडमिशन ऑन और बिफोर सैटरडे 20 अगस्त, मतलब 20 अगस्त तक जो है यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं या ये फिजिक्स ऑनर्स का। और टाइमिंग जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक है, इस बीच में आपको जाना है और जब कॉलेज खुला हुआ ऑन ऑल वर्किंग डेज, यानी कि जब आपका जो कॉलेज खुला रहेगा उस टाइम आपको जाना है और वहाँ पे जो है एडमिशन लेना है 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। ये सारा जो है एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ, ये फॉर्म नंबर है आपका जो चांसलर पोर्टल में आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पे आपको जो फॉर्म नंबर एप्लीकेशन नंबर मिला होगा वो सारा है। यहाँ पे नाम है, यहाँ पे कैटेगरी और ये मार्क्स है जो आपका जो ओवरऑल मार्क्स था इंटर में वो यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना नाम आप चेक कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे नीचे दिया गया जैसे कि और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जितने भी ऑनर्स है सारे में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो आप लोग देख लेंगे आपका जो ऑनर्स है उसमें नीचे में कितना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए बोला जा रहा है। करीब करीब सारे का सेम रहता है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक इंटर का सबसे पहले जो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और आपका जो CLC है माइग्रेशन है वो सारा ओरिजिनल लेके जाना है। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास एप्लीकेबल है आपके पास है तो लेके जाना है, इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो लेके जाना है, EWS सर्टिफिकेट आपके पास अगर आप क्लेम किए आपके पास है तो वो लेके जाना है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लेके ही जाना है वो लगेगा, और आधार कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वन वन क्लियर कवर फाइल, यानी कि फाइल में ये सारा जो है डॉक्यूमेंट लगा के आपको लेके जाना है। और इसके साथ जो है जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है ये सारे का एक जीरोक्स भी होना चाहिए और सारे जीरोक्स में जो है आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। और यहाँ पे चांसलर पोर्टल में जो आप एडमिशन कराए थे उसका भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, और पेमेंट रिसीप्ट भी मांगा जा रहा है एप्लीकेशन का जो आपने अप्लाई किया था, अप्लाई में जो पेमेंट किया था। और एक चीज़ यहाँ पे जो एडमिशन का जो आपका फ़ी है वो फी के बारे में यहाँ पे जो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, कोई भी ऑनर्स का जो यहाँ पे जितना भी सिलेक्शन लिस्ट है किसी में भी पेमेंट का यहाँ पे शो नहीं किया गया। तो इसमें मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि आप जब कॉलेज जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिशन आपका होगा तो हो सकता है वहीं पे डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा और वहीं पे जो है आपसे ले लिया जाए, लेकिन अभी जो क्लियर नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आपको बता दिया जाए लेकिन जो आपका एडमिशन पेमेंट है वो ऑनलाइन ही चांसलर पोर्टल से हो, क्योंकि फर्स्ट एडमिशन जो है चांसलर पोर्टल से होता है। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन किया गया कि ऑल एप्लीकेंट आर हियर
हियर बाय डायरेक्टेड टू टेक एडमिशन, यहाँ पे डायरेक्टेड लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका कॉलेज से डायरेक्ट ही आपका एडमिशन हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे जितने भी ऑनर्स है यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत है, आप इस तरह संस्कृत में क्लिक कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्लिक करेंगे तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे ओपन हो जाए। इस तरह से यहाँ पे करीब यहाँ पे ऐड कर दिया, अगर जो भी सब्जेक्ट जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट का अगर नहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसका भी यहाँ पे कल परसों तक जो है अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये था प्रोसेस दोस्तों अपना जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखने का, और जो भी जरूरी जानकारी थी वो मैंने दे दिया। अगर आपको जो आपका जो कोई भी ऑनर्स पेपर जो है अभी यहाँ पे नहीं दिया गया तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट करेंगे कि आपका ऑनर्स पेपर यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है, और थोड़ा सा वेट करेंगे कल परसों तक वो भी अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।